महाराज क्या कार्रवाई की गई है? बड़पुर में एक तालाबीय भूखंड है गाटा संख्या 701, उस पर जिन लोगों का अतिक्रमण है उनके अतिक्रमण को विस्थापित कराए जाने की कार्रवाई की गई। क्या अतिक्रमण किस तरह का था? तो बता रहे तालाब की जमीन पर अतिक्रमण था सब कुछ। गाटा संख्या मैं बता तो रहा हूँ 701 तालाबीय भूखंड है जिस पर अतिक्रमण विद्यमान था, उन लोगों के खिलाफ बेदखली का केस चला। बेदखली में बेदखली वाला जो कोर्ट था उसने आदेश पारित किया और आदेश पारित करने के बाद बेदखल करने की बात कही, उन्हीं को बेदखल कराया गया। लगभग कितने लोग हैं? ऐसे 3 लोग हैं जिनको आज विस्थापित कराया गया है, बाकी 4 लोग ऐसे हैं जिनका मुकदमा सिविल कोर्ट में और अपर कमिश्नर के न्यायालय में इस समय लिटिगेशन पेंडिंग है उनकी, वो फाइनल होने के बाद उनका विस्थापन होगा। कि कितने समय से अवैध निर्माण हो रखे थे और कितने समय से केस चल रहा था? देखिए केस तो जो चल रहा था वो फाइनल हो चुका है, पहले ही फाइनल हो चुका है। जिन लोगों का अतिक्रमण आज विस्थापित कराया गया है उनका बेदखली आदेश फाइनल हो चुका है, और प्रश्न ये है कि ये केस कब से चल रहा था, इसके बारे में पृथक से आपको जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि तहसीलदार कोर्ट में कब ये बेदखली का वाद योजित हुआ था। शहर में फिर बुलडोजर महिमा प्रारंभ, मचा हड़कंप, हुई भगदड़। एक बार फिर अधिकारियों, पुलिस व पीएसी की मौजूदगी में ढाए गए मकान। एक बार फिर लोगों के घरों का सामान आया सड़क पर। जिला प्रशासन ने सामान निकालने तक की नहीं दी मोहलत। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में पिछले दिनों चले बुलडोजर की करहाना से लोग उभर तक नहीं पाए कि एक बार फिर बाबा जी के बुलडोजर ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। वैसे आपको बताते चलें कि इस अभियान के दौरान शहर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे रेलवे रोड पर नाला का कार्य प्रारंभ हो गया है और नगर मजिस्ट्रेट को अभी भी अतिक्रमण कई जगह दिखाई दिया और नोकझोंक भी सहनी पड़ी। खैर, रेलवे रोड पर हम किसी और दिन बात करेंगे, पहले हम आपको बताते हैं शहर के बड़पुर में बने तालाब की खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी भूमियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पट्टे की भूमियों, सरकारी तालाब की जमीनों पर बनाए गए मकान ध्वस्त कराए जा रहे हैं। इसी अभियान को लेकर नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव और अन्य अधिकारी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अल्लाह नगर बड़पुर तालाब पहुंचे, जहां तालाब की भूमि पर बनाए गए 3 घरों को जमींदोज कर दिया गया और नगर मजिस्ट्रेट ने बाकी के 5 भवन स्वामियों को 2 दिन की मोहलत देते हुए अपना सामान या अपनी गृहस्थी को निकालने बस संजोने के निर्देश दिए। आपको बताते चलें कि इन मकानों में रहने वाले लोग नगर मजिस्ट्रेट के सामने गिड़गिड़ाते रहे, परंतु नगर मजिस्ट्रेट क्या करती है? उन्होंने सरकार के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई जारी रखी। नगर मजिस्ट्रेट ये कहती पाई गई कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसा भी नहीं कि सरकारी जमीन उनके हवाले कर दी जाए। परंतु यूपी 76 न्यूज का यहाँ पर एक सवाल है कि जब सरकारी जमीनों पर लोग कब्जा करते हैं तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? तब भी लोग शिकायतें दर्ज कराते हैं परंतु मामला चाय पानी में रफा दफा हो जाता है। खैर, बड़पुर में हुई कार्रवाई से अन्य अतिक्रमणकारियों में कान खड़े हो गए हैं और वह अपनी अपनी जुगाड़ में लग गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार श्रद्धा पांडे, यू रविंद्र कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल, नगर पालिका व तहसील के कर्मचारी, पुलिस पीएसी के साथ ढेरों पत्रकार, हजारों तमाशाई मौजूद रहे। नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी कि 23 मकानों को चिन्हित किया गया है, 8 मकानों को जमींदोज कराने के आदेश हैं। आपको बताते चलें कि फिलहाल विनोद कुमार, बिट्टी देवी पत्नी तिलक सिंह व चंद्रावती पत्नी राजेंद्र के परिवारों को बेघर कर दिया गया है। अभी पुष्पा पत्नी मनोज कुमार, दुष्यंत पुत्र रामेश्वर, रामप्यारी पत्नी राम शरण, हरि कृष्ण पुत्र मुंशीलाल और अजय पुत्र बीरपाल, इन 5 मकानों पर 2 दिन बाद गाज गिरेगी। तब तक आप बुलडोजर की इस कार्रवाई पर तालियां बजाइए और हम आपके लिए लेकर आते हैं दूसरी खबर। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।